शुक्र है स्वामी इसका रहा तराजू तोल, शूद्र जाति का नर कहे कड़वे मीठे बोल। जी हाँ मेरे साथियों, बात कर रहा हूँ तुला राशि की, कैसा रहने वाला है जून का माह। मेरे साथियों, जून राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लिब्रा साइन के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा रहेगा जून का माह, कैसा रहेगा नहीं, हर विषय पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। बस आप लोगों को आवश्यकता है तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की। आप लोगों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, स्टिक विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। यदि आपके नंबर पर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है या अपना नंबर शेयर कर रहा है या आपके कमेंट पर कोई आपको आंसर दे रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। शुरुआत कर लेते हैं मेरे साथियों, कैसा रहने वाला है जून का माह। सर्वप्रथम ग्रहों की स्थापना जून के माह में आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या रहने वाली है। मेरे साथियों, पंचम भाव में शनि, छठे भाव में आपके राहु, सप्तम में आपके मंगल, द्वादश भाव में आपके केतु और कुंडली के अष्टम भाव में चार ग्रहों की युति गुरु बुध सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण गोचर जो आपको मालूम होना चाहिए, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यानी मिथुन राशि के अंदर तीन तीन ग्रहों का गोचर कुछ तो अलग ही करने वाला आपके लिए। सबसे पहले बात करूँगा स्वास्थ्य के लिए, बहुत ही जरूरी है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। लगन के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र और शुक्र बैठे हुए हैं आठवें घर में, अपने ही घर में विराजमान है, विपरीत राजयोग में बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर गुरु और सूर्य के सिंह युति भी है और गुरु क्या करते हैं, थोड़ा पाचन संबंधी, स्टमक संबंधी, गैस संबंधी ऐसी कोई समस्या दे देते हैं। कोई बड़ा डर नहीं है, कोई बड़ा रोग नहीं है, तो डरने का कोई विषय नहीं है। बस अपने खान पान संबंधी ध्यान रखिए, या मैं दूसरे शब्दों में संन्यास व तटस्थ जीवन जिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करें आपके एजुकेशन की, पंचम भाव के स्वामी शनि पंचम में ही है और अपने घर को कभी कोई ग्रह खराब नहीं करता, ये आप लोग भी जानते हैं। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एजुकेशन को लेकर अगर आपका कोई भी प्लान था या है, या पास्ट से कोई ऐसी कितना आपकी कोई प्लानिंग चल रही थी कि मैं इस समय के अंदर करूँगा या कब करूँगा, तो ये समय सही आपके लेकर कोई भी पुराना प्लान था, कुछ भी सोचा हुआ तो वो इस समय के अंदर पूरा होगा। तो जो सोच में है, चाह में है, उसे कर डालिए, परिणाम आपके फेवर में होगा। क्योंकि शनिदेव क्या कहते हैं, होगा वही जो आप चाहोगे, बस थोड़ा समय लेंगे शनिदेव आपसे। बात करें लव लाइफ की, पंचम भाव ही ज्ञान और संतान के साथ साथ आपके लव लाइफ का है और पंचम भाव के स्वामी शनि पंचम में ही है। शनि अच्छा ही करेंगे, अपने घर का मैंने बोला आपको कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करता। बस परेशानी क्या है कि आप अपने आप के अंदर किसी भी तरह की थोड़ी सी भी मैं की भावना पैदा ना करें, क्योंकि मंगल सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। कई बार होता है कि मेरे अंदर मैं आ गई, मैं सुंदर हूँ, मैं गुणी हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सामने वाले के पास नहीं है, ये भी लव लाइफ में एक डिस्टेंस का कारण बन जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसी ही भावना अगर आपको सामने वाले के अंदर लगे, आपके पार्टनर के अंदर लगे, उसके अंदर कुछ बात को लेकर मैं है, गुस्सा है, तो उस चीज़ को भी आपको मैनेज करके चलना है। क्यों? क्योंकि शनि पंचम में है लेकिन सप्तम में मंगल लग्न को देख रहे हैं। हाँ, शनि के पंचम में होने से इतना जरूर कहूँगा कि जो रिलेशनशिप्स की वाइब्स हैं, कनेक्शन है, वो तो शनिदेव बनाकर रखेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर बर्तनों में आवाज़ हो और बर्तन एक जगह पड़े हो तो थोड़ा सा आवाज़ कानों को अच्छी नहीं लगती। तो लव लाइफ में भी ऐसा है, लव लाइफ चल तो रही है लेकिन इन्जॉय नहीं है, तो वो लव लाइफ थोड़ी मधुर नहीं होती, इसलिए आपको इस चीज़ से बचना है। हाँ, शुक्र भी आपके अभी 8th हाउस में है, जब 9th हाउस में आ जाएंगे 12 जून के बाद, तब मैं कहूँगा कि और बहुत बेहतरीन होने वाली है आपकी लव लाइफ। चलिए जान लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। सप्तम के लॉर्ड मंगल सप्तम में ही है, अपनी ही राशि में, और जब मंगल केंद्र में हो अपनी राशि में तो रोचक नामक राजयोग बनाता है, बहुत ही सुंदर। इस समय के अंदर मैं कहूँगा कि पार्टनर आपके, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, उनके पराक्रम के लिए अच्छा, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, हर तरीके से मंगल उनको प्रोग्रेस देगा। मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा, इवन मैं इतना भी कह सकता हूँ कि अगर कोई पास्ट की परेशानी थी उनको अपने कैरियर में, अपनी हेल्थ में, या अपनी मैरिज लाइफ में कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट चल रहे थे तो वो भी इस समय के अंदर ख़त्म होंगे। मैं कहूँगा कैरियर के तौर पर, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जब इंसान खुश रहेगा तो घर में खुशी होगी ना। अगर इंसान बाहर से खुश आएगा, उसको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में कोई परेशानी नहीं है, तो घर में भी वो खुशियाँ ही लेकर के आएगा। बात कर लेते हैं आपके भाग्य की, महत्वपूर्ण विषय है। भाग्य के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव में है, लेकिन कब तक? 14 जून तक। उसके बाद अपने ही घर में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। कह सकता हूँ कि 14 जून के बाद भाग्य बहुत ही अच्छा है, कुछ भी परचेजिंग,
इन्वेस्टमेंट, कुछ भी शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, कुछ भी नया करना है 14 जून के बाद कर डालिए। समय बहुत अच्छा आपके फेवर में है, क्योंकि बुध अपने ही घर में होंगे भाग्य के स्वामी होकर के। उससे पहले थोड़ा सा बचें या ना करें तो ज़्यादा अच्छा। ऐसा नहीं कोई डर है विशेष, लेकिन फिर भी करने से बचेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें आपके कैरियर की, कैसा रहने वाला है कैरियर, कैरियर के रोड बनते हैं आपके चंद्रमा। और चंद्रमा के लिए आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि मन के स्वामी है, है ना। भले ही हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर लें, लेकिन आप जानते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। सारा खेल जो है इंसान का मन पर ही है। हाँ, इतना कहूँगा कि मिड जून के बाद कैरियर में थोड़ा आप लोग अच्छा महसूस करेंगे जब ग्रहों का राशि गोचर हो जाएगा। जब आपके सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी मिथुन राशि गोचर करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा आप अच्छा महसूस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, मन परेशान रहेगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, जल, और कभी भी एक जैसा स्थिर नहीं रहता। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर उठक पटक होगी। हाँ, मिड जून के बाद जाकर के सब तरह की चिंताएं, मन की परेशानी सब खत्म हो जाएगी। और सूर्य जब नाइन्थ में आ जाएंगे तो आत्मविश्वास देंगे, मान सम्मान देंगे, और आपके कैरियर में आपको पहचान देने का काम करेंगे। बात करें आपके बिजनेस की, सेवंथ लॉर्ड मंगल सेवंथ में ही है। व्यापार कारक बुध भी 12 जून के बाद भाग्य भाव में आ जाएंगे। डर वाला कोई भी विषय नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन होना चाहिए कि बिजनेस कैसा रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, 12वें में केतु और अष्टम में गुरु, आपको मैं इस माह के लिए एक और प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि 12वें घर में केतु और 8वें घर में गुरु जो इस मंथ में आपके विराजमान रहेंगे, ये अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए, ज्योतिष के लिए, सिक्स सेंस के लिए, कॉमन सेंस के लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। यानी जो भी इंसान इंट्यूशन के तौर पर काम करते हैं, कोई ज्योतिष से रिलेटेड काम करते हैं, कोई सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जून का माह विशेष तौर पर बेहतर रहने वाला है। अब जान लेते हैं क्या उपाय करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करनी ही है, भूलना नहीं है। हनुमान चालीसा का आपको प्रतिदिन पाठ करना ही चाहिए। कैसी लगी जानकारी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।